धर्मशाला में चल रहे शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष की ओर से विधायक जगत नेगी ने नियम 67 के तहत पुलिस जवानों में पनप रहे रोष और उनके परिजनों पर बनाए गए मामलों पर चर्चा की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा इसको लेकर व्यवस्था नहीं है। इसके चलते विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि सदन में आज पुलिस कर्मियों में पनप रहे रोष पर चर्चा के लिए सदन में नियम 67 के तहत चर्चा की मांग की गई थी, लेकिन व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस जवान प्रदेश की सुरक्षा में जुटे हुए हैं, लेकिन ये सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। सरकार द्वारा JCC की बैठक में अन्य कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करने के 3 साल से 2 साल का कार्यकाल कर दिया गया है, लेकिन पुलिस जवान जिन्हें 8 साल के बाद वित्तीय लाभ मिलते हैं उनके हक पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। और जब पुलिस कर्मी को मजबूर होकर वर्दी पहनकर मुख्यमंत्री आवास पर रोष प्रकट करने पहुंचना पड़ता है, इसके अलावा जब BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बिलासपुर आते हैं तो परिजन उनके काफिले को रोककर उनके समक्ष अपना रोष व्यक्त करते हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग को पूरी करने के बजाय उन्हीं पर मामले बनाती है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मी भले ही अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, लेकिन विपक्ष पुलिस जवानों के साथ है। और उन्होंने कहा कि सरकार मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रही है, लेकिन जनहित के मुद्दों पर विपक्ष हमेशा उनकी आवाज उठाता रहेगा। नियम 67 के तहत जो है एडजॉर्नमेंट मोशन जो है हमारे जो है LOP की तरफ से और हम 3 अन्य विधायकों की तरफ से, जिसमें मोहनलाल जी और नंदलाल जी और सुमेदिया है, तो एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा हिमाचल प्रदेश में है। खासकर पुलिस प्रशासन जो पुलिस के कर्मचारी है उनमें व्यापक जो है असंतोष है, आक्रोश है, और ऐसे में सबको जो है खतरा बना हुआ है कि कहीं पुलिस कोई ऐसा काम ना कर जाए, कोई ऐसा कोई रिवोल्ट ना हो जाए। तो इससे बढ़कर जो है खतरे वाला कोई या महत्व का विषय आज की तारीख में नहीं हो सकता था। इसको लेकर हमने सदन में चर्चा मांगी और चर्चा जो जायज है, क्योंकि जो पुलिस ही जो है इनके काबू में नहीं है। आपने देखा होगा कुछ हफ्ते पहले मुख्यमंत्री के जो सरकारी आवास है उसमें जो है भारी तादाद में पुलिस के लोग, वो भी वर्दी में, और अपने जो है मेस से जो है खाना छोड़कर वहां पहुंच गए। तो इस किस्म का रोष है, इस किस्म का आक्रोश है, उसके ऊपर सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है। JCC की मीटिंग हुई, उसमें जो है अन्य जो है कर्मचारियों की मांगों का वहां पर जो है उनका समाधान करने की बात हुई, परंतु पुलिस के बारे में उसमें कोई भी फैसला नहीं लिया गया। और पुलिस वालों को जो है ये सरकार जो है BJP की सरकार, जयराम की सरकार, पिछले 4 सालों से ठग रहे हैं कि भैया आपके लिए जो है ये कुछ करने जा रहे हैं, कोई कमेटी बिठा रहे हैं। तो इन्होंने ये मामला जो है ठंडे बस्ते में डाला हुआ है और इनकी जो पे बैंड में जो विसंगति है वो बहुत ज्यादा है। जो कांस्टेबल लगते हैं, और अभी जैसे JCC में इन्होंने क्या कि कॉन्ट्रैक्ट वालों को जो है अन्य वो 3 साल को 2 साल कर दिया है, तो इनका अगर कोई विसंगति है उसको जो है एड्रेस करना चाहिए। इनको भी जो है तुरंत जो है उसका फायदा मिलना चाहिए। हम उस बात को लेके चले हैं। और उसके बाद में जब ये पुलिस के कुछ परिवार के लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष BJP के नड्डा जी जब आए थे बिलासपुर में, तो उनके सामने अपनी मांग के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने कोई उनका रास्ता नहीं रोका, कोई किसी किस्म का जो है कानून अपने हाथ में नहीं लिया। वो जो गरीब परिवार है जिनके जो लोग इसमें हैं पुलिस में हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है, उनका गुजारा नहीं हो रहा है, तो अपनी मांग लेकर खड़े हो गए। तो मांग लेने के लिए अगर खड़े होते हैं तो आप उनके ऊपर केस कर देते हो, तो इस किस्म का जो है अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होता था। तो ये तो अंग्रेजों से भी जो है बदतर सरकार है। तो इसी के खिलाफ जो है हमने जो है आज 67 के तहत एक चर्चा की बात की। और आप देख रहे होंगे कि विधानसभा में जो भी हम महत्व के कोई विषय उठाते हैं उसमें चर्चा होने नहीं देते हैं। पार्लियामेंट में मोदी जी होने नहीं देते हैं और यहाँ पर जो है जयराम जी होने नहीं देते हैं, फिर बाहर कहते हैं कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं। हम तो चर्चा ही मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। रात को 12 बजे तक भी करें, 2 बजे तक भी। कल हमने कहा कि जो भी हमारे यहाँ पर लिस्ट थे बिजनेस में 8 बजे तक भी हम बैठे, तो आज भी चर्चा रख देते हैं। इससे ज्यादा महत्व का चर्चा क्या हो सकता है।
पुलिस अफसरों के बारे, आज हिमाचल प्रदेश में कोई 18,000 के करीब पुलिस कर्मचारी है, आपके यहाँ पर 59 के करीब आईपीएस ऑफिसर्स हैं, 159 के करीब जो है आपके हिमाचल जो पुलिस के काडर के ऑफिसर्स हैं, हमारे जो हिमाचल पुलिस के काडर के ऑफिसर्स हैं उनको डिस्ट्रिक्टों में बीजेपी के राज में पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। कांग्रेस के समय में जब राज साहब मुख्यमंत्री थे, 12 डिस्ट्रिक्ट में से 4 डिस्ट्रिक्ट कम से कम जो है एसपीएस अफसरों को आईपीएस जो है वहाँ पर एसपी का पोस्ट मिलता था। अब ये सारे अधिकारी हमारे जो है बिठा रखे हैं, ये कहते हैं हमको एडिशनल एसपी तो लगाओ कम से कम, वो भी नहीं लगा रहे। अब पुलिस वालों का जो राशन है, पुलिस वालों का जो मेस के अंदर खाना है, अब ये कह रहे कि जबरदस्ती खाना वहाँ खाना पड़ेगा, जबकि वहाँ पर खाना ढंग का नहीं है। कपड़े धोने के लिए जो इनको अलाउंस मिलता है वो भी बिल्कुल जो है बहुत कम है। तो बहुत सारी बातें हैं जो पुलिस के लिए जो है करने की जरूरत है, और इन बातों को लेकर हमने चर्चा करना था, और चर्चा से ही जो है हल निकलता है। तो ये वर्तमान सरकार चर्चा होने नहीं दे रही है, इसलिए हमें जो है ना करके चर्चा सदन में रहकर ही चर्चा करना उचित नहीं होता। चर्चा तो देना है सरकार ने जो है, चर्चा के लिए अगर चर्चा देंगे तो चर्चा ही मांगा, हमने क्या मांगा? तो आगे तो हम जैसे जैसे इनके तरफ से जो भी आएगा उसके ऊपर हम अपनी रणनीति बनाएंगे, पर आज हमने जो है अपना जो है विरोध प्रकट किया है, चर्चा मांगा है, वॉकआउट किया। बिल्कुल जाएंगे, काम करेंगे हम।